आप देख रहे हैं अपना समाचार। ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड ये चीज है, देशी हीरा एक्चुअली, मतलब आप हमेशा देखते होंगे कि गांव घर से मतलब नए नए अनमोल रत्न निकलते हैं लग जाए, तो वैसे ही रिलेटेड है कुछ ये स्टोरी, मतलब एक ग्रामीण परिवेश में कैसे एक बंदा किस ढंग से स्ट्रगल करके और वो अपने आप को चमकाता है और अपने आप को एक देश की अलग सतह पे एक पटल पे लेकर आता है, एक अलग रूप। ग्रामीण परिवेश में रहने वाला एक अलग लड़के का किरदार है जो बहुत ही अल्लाह है, बचपन से मतलब खेतों में हल चलाना वगैरह वगैरह लग जाए, पढ़ाई भी उसकी नहीं हुई है, एक मनमौजी किरदार है, मतलब एक मनमौजी लड़के का किरदार। आप कह सकते हैं कि ठेठ, मतलब लुंगी और गमछे वाला कह सकते हैं। मैं तो इन्जॉय करूँगा, रियली बहुत इन्जॉय करूँगा, बचपन की चीज़ें, मतलब जब हम लोग बच्चे हुआ करते थे स्कूल टाइम में जैसे मस्ती किया करते थे वैसे स्कूल में कम्प्लीटली, मतलब वैसा ही कुछ परिवेश है। हिंदी में रेस थ्री है, स्ट्राइकर है, जो मराठी फिल्म भी रिलीज हुई है मेरी प्रेमा चिनाते और मंगलसूत्र, और अभी आने वाली फिल्म में दबंग है जिसमें सलमान खान स्टारिंग है, और आज रेस थ्री में भी मैंने सलमान सर के साथ में काम किया, अनिल कपूर, जैकलीन, और दबंग थ्री में सलमान सर हैं, सोनाक्षी सिन्हा है, सुदीप हैं, सुदीप के साथ मैं एक साउथ की फिल्म और कर रहा हूँ जिसमें सुदीप और जयराज एज एन एक्टर काम कर रहे हैं, मैं एज ए मैनेजर वर्क कर रहा हूँ। पता नहीं, बट हमेशा कोशिश किया है, मैंने भोजपुरी फिल्मों को प्रोत्साहन दी है, लोगों को सपोर्ट किया है, प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को काफ़ी सपोर्ट किया है मैंने, मुझसे जो हो सकेगा सका है एज ए फंडिंग वगैरह ये वो मैं करते रहा भोजपुरी के लिए, बट भोजपुरी में कभी काम नहीं करने का हुआ क्योंकि मैं थिएटर से जुड़ा रहा हूँ, हिंदी थिएटर से, और ज़्यादातर मेरा टाइम उसी में चला जाता है तो मैं उसी में लगा रह जाता हूँ। अभी मेरा दिल कर रहा है कि अपनी तरफ से कुछ फिल्में की जाए, तो एक फिल्म मैंने और की थी जो नदिया के पार में, मतलब नदिया के पार के बाद आफ्टर मतलब 17 या 20 ईयर्स यूज सर्टिफिकेट मिला है, वो भी हमारे राइटर डायरेक्टर जो सभा वर्मा है उन्हीं की फिल्म है, क्या रानी वेट्स राजा, सॉरी, नेशनल अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट हुई है, और देखिए शायद उसमें कुछ बहुत बेहतरीन चीज़ें मिलकर मतलब निकल के आ सके। मैं बिहार पटना का रहने वाला हूँ, पटना में एक छोटी सी जगह है बार, उस जगह का रहने वाला हूँ, और मैंने हार्डवेयर कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है आफ्टर 12, और यहाँ मेरी IT कंपनी है और कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। सलमान सर के बारे में कहना मुश्किल है, एक्चुअली बहुत सपोर्टिव इंसान है, और जब एक्टर जाता है पहली बार, जब मैं पहली बार उनके साथ काम कर रहा था तो कहीं ना कहीं कोई फियर था और लग रहा था कि शायद मैं काफ़ी नर्वस था एक्चुअली, बट उन्होंने इतना अच्छा सपोर्ट किया और कंधे पे हाथ रख के इस ढंग से समझाया कि सीन ऑटोमेटिक ऐसे ही इधर से उधर हो गया, बहुत ही सपोर्ट करते हैं वो, और रियली कहा जाए तो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत सपोर्टिव इंसान है, और अपने को एक्टर को बहुत कॉपरेट करते हैं, उनके साथ काम करके बहुत मजा आया। हाँ, बहुत सुलझे हुए इंसान है विवेक जी जहाँ तक मुझे पता है, और मुझे लगता है कुछ क्रिएटिव और कुछ बेहतरीन करेंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। आपके बोली फिल्म में नई हीरोइन लॉन्च हो रही है, ऐसा कम्युनिकेशन मैंने उन्हें देखा है और बातचीत की है, जहाँ तक सुलझी हुई है, काफ़ी सुलझी हुई हैं, और एक्ट्रेस भी अच्छी हैं, अभी देखते हैं किस ढंग से क्या हो पाता है, ऐसे ट्यूनिंग जमेगी उनके साथ में, तो बहुत सिंपल और सोबर है और काफ़ी सभ्य है। अप्रैल से तो मैं दबंग 3 के लिए बिजी हूँ, शायद अप्रैल के पहले ही या फिर अप्रैल के बाद। थैंक यू वेरी मच, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपको, आपकी टीम को, हीरो को, हीरोइन को, डायरेक्टर, राइटर, हीरोइन का ये प्रयत्न जो है सफल हो, सक्सेस हो, और बहुत सारा धन कमाए ताकि आप फिर फिल्म बनाए और मुझे दादी का रोल दे दें। आपका आशीर्वाद भी रहता है ना? हाँ, मेरा आशीर्वाद है, मेरी शुभकामनाएं हैं।
अच्छा लगता है जो प्रयास करते हैं, है ना, और प्रयास जो करते हैं सफलता भी उन्हीं को मिलती है। कहते हैं कि यह फिल्म अपने आप में एक अनोखी फिल्म साबित हो, और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं रीजनल सिनेमा अपने आप में बहुत ही कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ रही है और बॉलीवुड को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रही है। बात मैं भोजपुरी की नहीं कर रहा हूँ, मैं रीजनल सिनेमा की कर रहा हूँ, और मैं वो उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से तेलुगु इंडस्ट्री, मलयालम इंडस्ट्री, तमिल इंडस्ट्री, कन्नड़ इंडस्ट्री इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया है, बाहुबली, KGF ऐसी ऐसी फिल्में बना दी है, तो हम चाहते हैं कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो इससे भी और बड़ी ऊंचाई को हासिल करे, क्योंकि संख्या मत के मामले में, दर्शक के मामले में हम उनसे 3 गुने 4 गुने ज्यादा है, बस इन्वेस्टमेंट के मामले में थोड़े पीछे हैं। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे जो भोजपुरिया बेल्ट के लोग हैं, हिंदी बेल्ट के लोग हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वो थोड़ा इन्वेस्ट करें अपनी भाषा के लिए, वो अच्छी फिल्में बनाए, और जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा उतना अच्छा फिल्म बनेगा। तो ये एक अच्छी पहल है, अच्छा टाइटल है, और हीरो तो खैर मेरे रिश्तेदार ही हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये सुपर हिट जाए और एक नया आयाम हासिल करे। बस एक अच्छी सी कोशिश है और एक अच्छी सी खूबसूरत सी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये उम्मीद है कि दर्शकों को पसंद आएगा। इसके गीत संगीत पर काफी मेहनत किया जा रहा है, जैसा कि नवीन प्रकाश जी बोल रहे हैं, एक सिनेमा के उत्थान के लिए जिस तरह से लोगों को आगे बढ़ करके काम करने की जरूरत है, और उसी कोशिश के तहत हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए और हाँ, अभी मेरी लिखित एक फिल्म रिलीज होने वाली है रानी मिश्र राजा, जिसमें रितेश पांडे और रानी चटर्जी जी हैं। काफी अच्छा उसको रिस्पांस मिल रहा है, यूट्यूब पर से गाने काफी अच्छे चल रहे हैं, उसको सेंसर बोर्ड से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है, और बहुत जल्द रिलीज के लिए जाने वाली है, ऑलमोस्ट फरवरी तक वो फिल्म रिलीज हो जाएगी। हाँ, भोजपुरी की पूरी फ्रेटर्निटी को एक बात मैं विशेष तौर पर कहना चाहता हूँ कि आप लोग अगर अपना इतिहास भूल जाएंगे तो आपका भूगोल सच में थोड़ा गड़बड़ होने लगेगा, और सिनेमा के साथ, खास करके हमारी सिनेमा के साथ यही हुआ। और आप दिलीप साहब की पुरानी बॉलीवुड की फिल्में देखेंगे तो उनकी भाषा में, उनकी आवाज में एक भोजपुरिया छाप था, एक जो पुरवैया होता है ना, वो पुरवैया छाप था उनके ऊपर में। और भी कई सारे हीरो जो 60s 70s की फिल्में बनती थी, अमित जी हो गए, गोविंदा जी हो गए, सब में पुरवैया छाप था। वो पुरवैया छाप आजकल धीरे 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 खत्म होने लगा, और जैसे जैसे ये पुरवैया छाप खत्म हुआ है तो फुअरता अपनी जगह लेने लग गया। तो ये हमको भोजपुरी में भी नहीं चाहिए, तो वो पुरवैया छाप जो देसी होता है ना, तो ये टाइटल अच्छा, एक्चुअली में वो पुरवैया छाप हमको चाहिए इस फिल्म में, तो लोगों को पूरी परिवार के साथ देखने में मजा आए फिल्म की, यार क्या फिल्म है। और एक जो देसी हीरा है वो एक लड़का ऐसा होना चाहिए कि मतलब वो मजा आए कि यार ये मेरे परिवार का लड़का है, ये मेरे घर का लड़का है, ये मेरे समाज का लड़का है, और ये हमारे लिए अच्छा किया है। और उम्मीद है कि चंदन भैया इतने अच्छा लिखते हैं और इतना सारा कुछ लिख चुके हैं, मैं तो अभी आप लोगों को पता नहीं है, एक दो फिल्में इनकी ऐसी लिखी हुई है, उनका मुरीद हूँ मैं, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे इनके साथ बैठ के, खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ मैं। जी मेरा नाम भानु राजपूत है, मैं आज पहली बार मतलब अपना कुछ बताने जा रहा हूँ। मैं एक हिंदी मूवी से शुरुआत करना चाह रहा था, पर मेरा सौभाग्य ये रहा कि मुझे एक भोजपुरी माटी के साथ काम करने का अनुभव होने वाला है। मैं इसके साथ बहुत अपना 100% पूरा लगाऊंगा, और मैं इसमें नेगेटिव कर रहा हूँ, नेगेटिव में भाई मैंने भाई के साथ में रहूँगा मैं बस, और आगे आप तो प्यार देंगे वही हमारे लिए बहुत बहुत आभारी रहेंगे, और हम तो बस यही चाहते हैं कि आगे से आगे हम आपके लिए कुछ अच्छा सा प्रोग्राम पेश करें, और हमारी यही कामना है कि आप लोगों का प्यार हमारे साथ रहे, भाई हमारे साथ हैं, और आगे भाई आप अपना नाम बताइए। और जी सर अपना नाम बताइए। सभी दर्शकों को मैं प्रणाम सलाम नमस्कार करना चाहता हूँ। मेरा नाम रिजवान अहमद पड़ेगा, और मैं इस देसी हीरा में मैं नेगेटिव कर रहा हूँ, सपोर्ट कैरेक्टर कर रहा हूँ, फाइनली तो मुझे नहीं पता है कि क्या कैरेक्टर है, और बहुत अच्छी कहानी है इसकी, इसमें हमारे संजय भाई जो हैं चुने हम मतलब बोले मूवी करना है, अच्छा लगेगा साथ में काम करके, और ये मेरी मतलब फर्स्ट मूवी है, सबके साथ में काम करने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, इतना जल्दी रिलीज हुआ है नहीं अच्छा लगेगा, मैं यही कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे दर्शकों के ऊपर प्रणाम करता हूँ। थैंक यू। जी सर अपना नाम बताइए और क्या कर रहे हैं फिल्म में? ये तो कटप्पा लग रहे हैं। नमस्कार, मेरे भाई बहुत टेम्बू है, मैं नागपुर से हूँ,
और ऐसा प्रोग्राम मैं पहली बार ही कर रहा हूँ। पहली बार ही बैठा तो नर्वस थोड़ा, और मेरा जी सबसे पहले मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहती हूँ दिल से कि जो मूवी बन रही है लोग उसको पसंद करें और पूरी टीम की मेहनत रंग लाए और मोटिवेट होकर वो लोग दूसरा हीरा टू बनाए, हीरा देसी हीरा टू जी। तो आप इसमें सर इसमें तो ये डायरेक्टर ही बता सकते हैं, एक्चुअली अभी तक मैं क्लियर नहीं हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, सो बट हाँ कुछ ना कुछ कर रही हूँ। डायरेक्टर आपके सामने बैठे हुए हैं, जितने सुलझे हुए ये दिखते हैं शायद इतना ही सुलझा हुआ इनका काम भी है, तो आई एम डैम श्योर कि लोगों को इनका काम भी पसंद आएगा, इनका डायरेक्शन भी पसंद आएगा और जो एक्टर्स हैं इनके साथ बहुत कंफर्टेबल होके अपना बेस्ट दे सकते हैं, अच्छे से काम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि एक डायरेक्टर और एक्टर के बीच का जो रिश्ता होता है ना, जो बॉन्ड होता है, वो कंफर्ट होना बहुत जरूरी होता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे सुलझे हुए डायरेक्टर हैं कि इनके साथ कोई भी कंफर्टेबल जोन में जाके काम कर सकता है। और आपका फिल्म करियर की बात की जाए तो क्या करना चाहते हैं? फिल्म करियर तो देखिए अभी तो बस शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, 1, 2, 3, 4, 5, 10 ऐसे करते करते करियर बनता है, एक फिल्म कर लेने से तो करियर बनता नहीं है जी, तो बस स्ट्रगल है। अब तक क्या किया है बताना चाहिए अपने बारे में? जी बिल्कुल, मैंने 3 हिंदी फिल्में की है और अगर मैं मूवी करती हूँ तो ये फर्स्ट भोजपुरी मूवी होगी मेरी, और जैसे मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ सिवान से, मेरा नाम अरुणागिरी है, सॉरी मैंने स्टार्टिंग में बताया नहीं था, तो मुझे भोजपुरी बहुत अच्छे से आती है, सो डेफिनेटली मैं भोजपुरी करना चाहती हूँ और इसलिए शायद मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हूँ। ये तो भोजपुरी हम बाटी के बारी और बहुत ही अम्मी के मुलाकात एक हिंदी मूवी में हुआ था, हिंदी मूवी शायद एक तरफा नाम था उसका, हाँ, एक तरफा मूवी थी जिसमें हम लोगों ने साथ हम लोग अच्छा एंजॉय किए थे वहाँ पे और अच्छा इनका काम भी लगा और बहुत बोलूं तो देसी जो कहा जाता है ना, हम लोग भोजपुरी में ही बोलते थे काओ का हलवा ठीक बाजी तो यह सब चलता था, तो मैंने उनको सोचा कि अपने प्रोजेक्ट से जुड़ूं और देसी हीरा में। देसी हीरा जी मैम, इसका मतलब है सच में हमारा जो विवेक कुमार है वो हकीकत में ओरिजिनल हीरा है और हमारा देश देसी होने के नाते वो इस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी विवेक के लिए, मैं उसे संजय के नाम से जानती हूँ या बुलाती हूँ, मेरा मानस पुत्र है वो। शुरुआत में जो उसकी जुनून थी आज वो देख के बहुत खुशी हो रही है, आज वो अपने जो सपना था उस सपना को पूरा किया। और भोजपुरी फिल्म एक ऐसी फिल्म है जो हर क्षेत्र में हर स्टेट में हिंदी भाषी होने के नाते हर कोई देखते हैं और पसंद करते हैं। और हमारा जो विवेक कुमार है डायरेक्टर भी है प्रोड्यूसर भी है, लेकिन वो एक चीज़ जो प्रेजेंट कर रहा है वो हमारे हिंदी भाषी को प्रेजेंट कर रहा है, और आज के देश में हमारे हिंदी भाषी को एकजुट होना है तो ये उसकी जो कोशिश है हम समझते हैं। आप सब उसके लिए बहुत बड़े जरिया हैं, जो मीडिया है वो सबसे बड़ा जरिया होता है किसी को बड़ा करने के लिए, किसी को प्रेजेंट करने के लिए, प्रोजेक्ट करने के लिए। मैं शुभकामना देना चाहूँगी हमारे जो लीड रोल कर रही हैं, रितिका हैं, राहुल हैं, मिनाज हैं, आई थिंक और भी जो हैं सबको नहीं जानती हूँ मैं, और साथ में विवेक कुमार को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि बहुत बहुत आगे बढ़े और खुद तरक्की करें। धन्यवाद।